का टाउन है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इसके बाद यहाँ से अभी मैं जा रही हूँ चिमी लखंग जा रही हूँ थिम्फू। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा है, आपको कहीं भी जाना है मिनिमम जो टैक्सी का प्राइस है आई थिंक 100 है, क्योंकि मैंने 100 के नीचे में तो कहीं नहीं गई हूँ, तो ये शायद मिनिमम प्राइस है, आई डोंट नो। तो देखिए इस तरीके का है पुनाखा सिटी। तो अभी मैं जा रही हूँ उस गांव में जहाँ पे फर्टिलिटी टेम्पल है। पुनाखा सिटी से इसकी दूरी लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है, और थिम्फू से इसकी दूरी 75 किलोमीटर है। अच्छा, मैं भी थिम्फू जाएगा। आज जाएगा थिम्फू। अच्छा, सुबह नहीं आया, कल ही रात को यहाँ पहुँच गए थे। अभी मैं पुनाखा टाउन से जो चिमी लखंग है वहाँ जाने के रोड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर मुझे जो टैक्सी ड्राइवर है उन्होंने ड्रॉप किया, उनका 100 रुपीज़ बनता था लेकिन उन्होंने 50 रुपीज़ ही लिया। और यहाँ से मुझे पैदल जाना होगा, शायद मुझे 20-25 मिनट पैदल जाना पड़ेगा, वहाँ है विलेज, तो लेट्स गो। और इस गेट से मुझे विलेज की तरफ एंट्री करना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में। कुछ सुना है मैंने कि जिनके पास बच्चा नहीं होता है वो यहाँ प्रे करते हैं। कुछ कदम गई ही थी कि मुझे उसी गांव के एक आदमी से लिफ्ट मिल गया। ये गांव एक बहुत ही खूबसूरत वैली में बसा हुआ है, दूर से देखने में ही काफी सुंदर लग रहा था। हर साल यहाँ दुनिया भर से बहुत लोग आते हैं। गांव में पहुंचते ही चारों तरफ मुझे कुछ शॉप्स दिखा, तो मैंने सोचा कि पहले ये देखते हैं कि क्या क्या रखा है इन शॉप्स में। चलिए पहले इस दुकान पे चलते हैं जहां मुझे दूर से ही एक पीनस का सेब दिखाई दे रहा था। और यहां देखिए अलग अलग टाइप के और अलग अलग कलर के पीनस रखा हुआ है। और यहाँ कुछ मास्क लगे हुए हैं, भूटान का मास्क डांस बहुत फेमस है। ये देखिए ये एक बड़ा सा पीनस रखा है, ये लोग मानते हैं कि इससे गुड लक आएगा। यहाँ कुछ अलग ही तरीके से बना रखा है, कुछ मॉन्स्टर के टाइप से पीनस को बना रखा है। यहाँ देखिए ये पीनस के शेप के की रिंग्स है। ये है अल्कोहल कंटेनर, इसमें ये लोग जो यहाँ पे होममेड वाइन बनाते हैं उसको रखते हैं और इसी से सर्व करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत जगह में इनका घर है। और यहाँ पे ये एरोप्लेन के शेप का पीनस बना रखा है। डोर के सामने भी ऐसे रखा जाता है ताकि निगेटिव एनर्जी अंदर ना आए।
इस गांव में हर जगह उनके घरों के दीवारों में ये सब में भी पेनिस को ड्रॉ करके रखते हैं। इंडिया में सेक्स के बारे में बात करना इट्स ए टाबू, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल है। यहाँ के लोगों से आप अगर बात करेंगे तब आपको ये चीज अच्छे से पता चलेगा। यहाँ के लोग इसको सेलिब्रेशन की तरह लेते हैं। और यहाँ देखिए पेनिस को स्पर्म के साथ ड्रॉ कर रखा है। तो ये गांव में आपको आने से बहुत मतलब हैरानी होगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे आपको खाली पेनिस ही पेनिस दिखेगा, लेकिन ये लोग इसको प्ले करते हैं जिसको फर्टिलिटी के लिए अच्छा माना जाता है और गुड लक समझते हैं, अच्छा अच्छे होगा ये सोच के वो लोग इसको रखते हैं। इस तरफ से टेंपल जाने वाला रास्ता है। इस गांव से मंदिर के लिए थोड़ा सा ऊपर हाइक करके जाना पड़ता है। मंदिर के आसपास आपको लिंग का कोई भी पेंटिंग या फालूस नहीं दिखाई देता है। इस जगह को लेके एक स्टोरी है कि यहाँ पे कई साल पहले एक बौद्ध धर्म गुरु आए थे जिनका नाम था द्रुक्पा कुनले, और वो डिवाइन मैडमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। वो एक बौद्धिस्ट मॉन्क होते हुए भी वो सब चीजें करते थे जो मॉन्क लोग नहीं करते हैं। जैसे वो एक आवारा आदमी बनकर और एक अलग लाइफस्टाइल बिताते थे। वो गांव-गांव में घूमते रहते थे और साथ ही साथ नाच गाना, शराब, औरत इन सब में भी इन्वॉल्व रहते थे। इस गांव में उसने कई लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और वो सब प्रेग्नेंट हो गई थी। और यहाँ के एक खतरनाक दानव को उन्होंने मार के यहीं पे के ऊपर मंदिर बनाया गया। उन्होंने उसे मारने के लिए एक लिंग के सेप का एक छड़ी बनाया था, तो इसीलिए माना जाता है कि लिंग बुरी आत्माओं को भगाता है। जो पेनिस के सेप का होता है उसको फालूस बोलते हैं, दे वर्सी फालूस, वो उनको प्रे करते हैं ताकि घर में अगर किसी का बच्चा नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि मतलब इसको प्रे करने से मतलब बच्चा होगा। Thank you.